गुड मॉर्निंग फ्रॉम निचनाई कैंप। अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। आज जाना है विशनसर कैंप तक और बीच में हमें निचनाई पास भी क्रॉस करना होगा। सो लेट्स गो। झरने को क्रॉस करना है, यहाँ से जाके वहाँ से उतर के उधर जाना है, फिर हमें निचनाई पास के लिए क्लाइम करना है। एक बड़ा सा ग्लेशियर है यहाँ पे। अभी लिटरली इस रिवर को क्रॉस करना है, सो लेट्स गो। River crossing is done. इधर सारे फूल ही फूल है। आज कहाँ से उठ के आए हैं थोड़ा दिखाती हूँ। वो जो नदी दिख रही है ना, उसके उस पार से कैंप था हमारा, वहाँ से ये चढ़ के यहाँ तक आए हैं और अब ऊपर जाना है। निचनाई पास क्रॉस करना है, तो उसके बाद एकदम डिसेंट ही डिसेंट है। सन के ये रिंग दिख रहे हैं और यहाँ पे रेनबो दिख रहे हैं। नीचे से जो झरना दिख रही थी, ये वो झरना है। इतना टाइम लग गया हमें यहाँ तक पहुँचने में और अभी वो ऊपर जाना है। कब से चले जा रहे हैं, अभी तक निचनाई पास पहुंच नहीं पाए। बोल रहे हैं कि सामने वहाँ से घूम के ही पास दिखने लगेगा। आई डोंट नो इतना दूर है। और यहाँ का जो मौसम है ना, वो चिल हवा चल रही है, धूप उतना तेज़ नहीं है, और अगर है भी तो आपको मालूम नहीं चलेगी। ऐसे ही रास्ते हैं। व्यू इतना सुंदर है ना, आई मीन ओह माय गॉड। अगर आप कहीं पे 2 मिनट के लिए बैठेंगे तो आपका मन भर जाएगा बस व्यू देख के। बस वही एक भरोसा है कि व्यू अच्छा है। तो चलते हैं अभी पास की तरफ। पास हमें दिख रही है पर जो एक दुकान दिख रही है ना, मैगी पॉइंट है वो, दैट इज़ निचनाई पास। और ये वाला एसेंट अभी भी बाकी है, तो ये आज का लास्ट चढ़ाई होगी हमारी। पर ये वाला चढ़ने में तो जान निकल जाएगी। ये पूरा हम चल के आए हैं और अभी बस इट्टू सा चढ़ना बाकी है, पर ये इट्टू सा चढ़ने में ही जान जा रही है। निचनाई पास की ऑल्टीट्यूड भी 13,000 फुट से ज़्यादा है, सो चढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। बस यही रिलीफ है कि पास के बाद और चढ़ाई कुछ नहीं है, तो यही मन को दिलासा देते हुए आगे चल रहे हैं। फाइनली आई हैव रीच्ड निचनाई पास, सो दिस इज़ द पास। और ये है मैगी पॉइंट। निचनाई का एलिवेशन है 13,100 फीट। यहाँ पे आके हमने कावा पी और पोस्टपेड में नेटवर्क आ रहा है, तो हमने घर पे कॉल भी किया। सो अभी यहाँ से एकदम डिसेंट है ऐसे। ये लोग चल रहे हैं और वो देखिए सारे ग्लेशियर्स हैं बड़े बड़े। जितना आगे की तरफ चल रहे हैं उतना फूल मिल रहे हैं रास्ते पे। सी मानसून ट्रैक का यही तो मज़ा है कि रास्ते पे आपको बहुत सारे फूल मिलेंगे। This trek is no doubt difficult, but the beauty is, I mean, you can't explain it. It's beyond explanation. Oh my God, Kashmir just took my heart. KGL just took my heart. बस चारों तरफ को फूल देख के ही मन भर जा रहा है और व्यू भी इतना औसम है। आई मीन ओ माय गॉड, लग रहा है कि यहीं पे टेंट डालूं और यहीं पे बस जाऊं बस। यहाँ पे एक बड़ा सा वाटर क्रॉसिंग है तो इसको अभी क्रॉस करते हैं। डिसेंड वाला पैचेस ख़त्म हो गया है और ऐसे लंबे लंबे ग्रासलैंड स्टार्ट हो गया है तो इसी में से ही चल रहे हैं। ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। आज का दिन भी बहुत टायरिंग था, वेरी 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 टायर्ड। कितने सारे शीप हैं यहाँ पे और दैट इज़ आवर टेंट। It's 5:11 and I reached to the camp, Vishansar campsite, and I am extremely happy that I completed today's trek. I'm signing off from Vishansar campsite. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel. See you in my next vlog.